एचपीयूटी यानी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनएस राठौर का कार्यकाल अब अंतिम चरण में है। पिछले 3 सालों के दौरान विश्वविद्यालय ने 16 पेटेंट अपने नाम किए हैं, इनमें से 10 पिछले 1 साल में पंजीकृत हुए हैं। मजे की बात तो यह है कि पिछले लगभग 3 माह में विश्वविद्यालय 4 पेटेंट रजिस्टर करवाने में सफल हुआ है। विश्वविद्यालय ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है यह सब बता रहे हैं कुलपति प्रोफेसर एनएस राठौर। हाँ, इसके साथ ही 9 पेटेंट अपने नाम करवाने वाले सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर त्रिलोक गुप्ता से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके पेटेंटों के बारे में। हाँ, बड़ी खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने पिछले 1 साल के अंतराल में 10 पेटेंट हमारी जो विभिन्न तकनीकी जो हमने उत्पन्न की है उनके हमने पेटेंट किए हैं। और इससे भी बड़ी खुशी ये कि इस 3 महीने में जनवरी फरवरी मार्च 22 में हमारे को 4 पेटेंट मिले हैं विभिन्न तकनीकियाँ जो बनाई गई हैं उन सब का। क्योंकि जितनी भी तकनीकी उत्पन्न करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि हम उसके ऊपर पेपर लिखें और क्वालिटी जनरल के अंदर उसको छपाएं। तो ये काम होने के बाद और साथ ही हम ये देखते हैं कि उसमें ऐसी चीज़ भी नहीं हो कि जो चीज़ हम अपने पास रखते हैं और जिसको हम पेटेंट के फॉर्म में पब्लिश कराना चाहते हैं तो साथ साथ में हमने पेटेंट को भी करने के लिए हमने कार्रवाई करी। और मैंने ये देखा कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इन दोनों डिपार्टमेंट के हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने अपने अथक प्रयास से नई तकनीकी विकसित करी और साथ ही उन्होंने इसको पेटेंट भी कराया। त्रिलोक गुप्ता जी जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड पे काम कर रहे हैं उनका एक बहुत ही एक नवाचार था कि किस तरह से जो भी चीज़ें हमें उत्पन्न हो रही है और जो वातावरण को प्रदूषित कर रही है और साथ में वो देखा जाए तो उसका बहुत अच्छा पोटेंशियल दूसरे क्षेत्र विशेष में कर सकते हैं। तो ऐसा काम उन्होंने किया और उसको सीमेंट के जगह जो कि आप सब ने देखा भी होगा आज के इस परिचर्चा में उसमें उन्होंने बहुत अच्छे पेटेंट कराए और किस तरह से हम हमारे सीमेंट का जो काम है वो दूसरे फिलर के साथ किया जाए और मजबूती से किया जाए और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में जिंक कोटेड यूरिया का जो एक नया कार्य किया है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिंक भी फसलों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूरिया तो नाइट्रोजन और वो हमारे ग्रीन प्रोडक्ट देता है। तो ये चीज़ एक बहुत ही आवश्यक है और कोई भी कृषि वैज्ञानिक हो या कोई दूसरा भी वैज्ञानिक हो वो जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य को सही तरीके से समाज में काम में आवे, उनका जो रिसर्च आउटपुट है वो बिजनेस आउटकम में बने, ये एक परिकल्पना है भारत सरकार की भी और राजस्थान सरकार की भी। और इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें जितने भी हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसका पेटेंट करना चाहिए जिससे कि भविष्य में भी अब जब भी ये पेटेंट को कोई भी यूज़ करेगा तो हमें रॉयल्टी मिलेगी। तो हमारे रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी एक स्टेप हो गया और साथ में हमारे वैज्ञानिकों की पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है क्योंकि ये पेटेंट केवल भारतीय स्तर पर ही सीमित नहीं रहेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उपलब्ध रहेंगे और जिसको बाहर के व्यक्ति भी इसको देख सकेंगे और साथ में वो ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको काम में लेना है। और जो युवा हैं उनको भी एक नया रास्ता मिलता है कि वो अपना आजीविका इन नए पेटेंट के द्वारा कराए जाए। तो हमारी जितने भी रिसर्च आउटपुट है मैंने मेरे सारे वैज्ञानिकों को यही कहा है, मैं जितने भी वैज्ञानिकों ने इस 10 पेटेंट के लिए अपना जो काम किया है मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ और साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सारे वैज्ञानिकों को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भविष्य में वो जो भी काम करें उनका रिसर्च का उनकी जो शोध है उसका जो भी आउटपुट हो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें कि एक बिजनेस के फॉर्म में, ताकि हमारे जो युवा हैं उनको वो जॉब प्रोवाइडर बने ना कि जॉब सीकर बने और साथ में ही वो अपनी आजीविका इन सारे संसाधनों से और इन अनुसंधानों के बेस पे आगे बढ़ाए। मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि हमारे वैज्ञानिक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इससे हमें एक फायदा और होगा जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का जो एक रैंकिंग होती है, पिछले वर्ष हमारे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी जो 15वें पायदान पे थी
उससे पूर्व 26 थी और उससे पूर्व हम 51वीं पायदान से थे। हम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। 2019 के अंदर हमारी जो थी वो 51वीं थी और पिछले वर्ष हमारे 2021 के अंदर हमारी अभी ये 15वीं हो गई है। और मेरे को निश्चय विश्वास है कि जब 10 पेटेंट हमने एक साल में किए हैं तो 2022 की जो रैंकिंग आएगी, जो पायदान आएगा, वो हम 10 के अंतर्गत आएंगे, तो हमारी यूनिवर्सिटी हमारे पूरे भारत देश में छा जाएगी और साथ में हमें भविष्य में भी एक रेवेन्यू मिलता रहेगा। कई जगह हमारे पास फाइनेंस की कमी रहती है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमें रेवेन्यू मिलेगा वो हमारे संसाधनों को विकसित करने में सहायक रहेगा। तो मैं पुणे हमारे मेरे को ये बहुत खुशी है ये बताते हुए कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने पिछले 3 वर्ष में अपना अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि मैं रैंकिंग की बात कर रहा था, ये 2019 में ये हमारी 51वीं रैंकिंग थी, वो 2020 में हमारी 26वीं रैंक हुई और 2021 के अंदर हमारी 15वीं रैंक हुई है। और साथ में इस वर्ष हमें पूरा यकीन है कि हमारी रैंकिंग ये साथ में हमारे वैज्ञानिकों का जो पब्लिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 2019 में हमारा जो एच इंडेक्स था वैज्ञानिकों का, जितना भी पब्लिकेशन है, जितने भी उन्होंने पेपर बन लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, और उसके द्वारा जो एच इंडेक्स था वो करीब 36 था, वो बढ़ के हमारा 57 हमारा एच इंडेक्स हो गया है। और साथ में ही हमने ये भी कोशिश की गई है कि हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उनको और हमने भारत राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से प्रचलित करने की कोशिश की है। उसमें कई टेक्नोलॉजी इसमें जिसमें ऑर्गेनिक पोल्ट्री का पूरे भारत देश में वो छाई हुई है और साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और वो भी हमारे देश में पूरे हमारे द्वारा, हमारे राजस्थान और हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रचलित वैज्ञानिक पद्धति है। और साथ में ही हमारा रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। पहले वो 5 करोड़ के करीब था रेवेन्यू, वो भी बढ़ के अब 24 करोड़ के करीब हो गया है। साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया है उससे हमारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट भी करीब 89% और 90% हमारे स्टूडेंट का भी प्लेसमेंट हुआ है। धन्यवाद। CTI कॉलेज के प्रोफेसर त्रिलोक गुप्ता इन दिनों सुर्खियों में हैं। उन्होंने पिछले एक साल में 9 पेटेंट रजिस्टर कराए हैं। ये सारे पेटेंट्स अनुपयोगी चीज़ों से, वेस्ट प्रोडक्ट से बनाए गए हैं। इनकी मंशा यह है कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें उनकी लागत कम हो तथा उन प्रोडक्ट से जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी उपयोग हो सके। त्रिलोक गुप्ता जी, हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर त्रिलोक गुप्ता, अभी मैं विभागाध्यक्ष सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम देख रहा हूँ CTI MPUET में। बेसिकली हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है डे बाई डे डिग्रेड हो रहा है, ख़राब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं हम उनको फेंक रहे हैं, उनको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उनको कंक्रीट में किस तरह से यूज करें जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ हो, साथ में हम ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जिसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो। इसीलिए मैंने अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स पर काम किया। उसमें से सर्वप्रथम मैंने चूज किया था प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स। जो पॉलीथीन बैग्स हैं हम उनको एक बार यूज करने के बाद में फेंक देते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। जानवर कई बार उनको खा जाते हैं जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, साथ में वो ड्रेन्स में चले जाते हैं जिससे कि हमारे जो ड्रेन हैं, नालियाँ हैं, वो चौक हो जाती हैं और हमारे खाने पीने की चीज़ों में मिक्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम उनको खाते हैं, ईटेबल चीज़ों को, तो जो हमारे हेल्थ को नुकसान करती है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम कंक्रीट में यूज करें। कंक्रीट में यूज करने के लिए मैंने उनको सबसे पहले श्रेडेड किया, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया श्रेडिंग मशीन से। उसके बाद में हमने उनको कंक्रीट में मिलाया। कंक्रीट में मिलाने के बाद में फर्स्ट टाइम हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, लेकिन फिर हमने उनको इम्प्रूव किया और देखा अगर हम कंक्रीट में जो वेस्ट पॉलीथीन बैग्स हैं उनको 5% ऑफ द टोटल क्वांटिटी, जितनी बड़ी कंक्रीट है उसका 5% अगर हम उसको मिलाते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने बेसिक रिसर्च की, हमने जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेती के साथ में, एग्रीगेट के साथ में, सीमेंट के साथ में हमने उनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में हमने पहले बेसिक रिसर्च में क्यूब्स सिलेंडर बनाए, उसके बाद में जब हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए
तो हमने जो रोड के साइड में पेवर ब्लॉक बनते हैं लगते हैं उनको हमने डेवलप किया। पेवर ब्लॉक बनाने के बाद में हमने जब उनका टेस्टिंग की तो उनके जो रिजल्ट्स थे, जो उनका इम्पैक्ट, मतलब कोई लोड गिर जाता है उसके बाद में क्रैक कितनी देर डेवलप बाद में डेवलप होता है, हमने देखा कि वो लगभग नॉर्मल कंक्रीट के कंपैरिजन में 15-20% उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एनहेंस हुई। साथ में जब हमारा पेवर ब्लॉक में ये हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो हम गए कॉन्क्रीट के रोड में। हमने सिविल डिपार्टमेंट के ही एक छोटा सा पार्ट लिया, वहाँ पर हमने छोटा सा सैंपल के लिए रोड भी कंस्ट्रक्ट किया। लगभग 3 साल हो गए हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही है अभी भी। उसमें हमने जो है अलग अलग फेजेस में उसको अलग अलग तरीके से मिलाया, नॉर्मल तरीके से नहीं मिलाया हमने उसको। जब कंक्रीट मिक्स कर रहे थे तब हमने 25% मिलाया, उसके बाद में हमने 25% मिलाया टोटल क्वांटिटी का, और हमने देखा कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। फटीक लोडिंग में रिपीटेटिव बार बार जो उस पर ट्रक चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो लगभग 15-20% उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई। ये एक पॉलीथीन वेस्ट का कंक्रीट में यूटिलाइजेशन। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमने सबसे पहले जो है प्लास्टिक को पेवर ब्लॉक में यूज किया, तो ये जो हमने पेवर ब्लॉक बनाया था विद द हेल्प ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, तो आप ये देख सकते हैं इसमें ये प्लास्टिक के दाने दिखाई दे रहे हैं आपको नीचे वाले सरफेस पर, अगर आप ये देखेंगे। सो इसको मिलाने के बाद में, इस बिना मिलाए इसकी स्ट्रेंथ थी लगभग 30 MPa, लेकिन इसको मिलाने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ लगभग 42 MPa हो गई। लगभग 30% का जो है इजाफा हमारी स्ट्रेंथ में हुआ था। साथ में हमने दूसरे अलग अलग टेस्ट किए। अलग अलग टेस्ट का मतलब है ये जो है हमारा है ड्रॉपेड टेस्ट। इसमें हम क्या है इम्पैक्ट लोडिंग लगाते हैं, लगभग ये 10 पौंड की बॉल होती है, इसको हम बार बार रिपीटेटिव इस तरह के सैंपल्स पर हम गिराते हैं। गिराने के बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें जो क्रैक है वो कितनी बॉल गिराने के बाद में आ रहा है। इस टेस्ट को करने के बाद में जो हमने सैंपल्स जो हमारे कॉन्क्रीट तैयार की थी सिंगल वेस्ट पॉलीथीन बैग से, वो लगभग हमारा 15-20% जो बॉल्स हैं एक्स्ट्रा गिराने के बाद में हमारा क्रैक्स डेवलप हो रहा था। साथ में हमने एक नया टेस्ट किया था जिसको कि हम फटीक टेस्टिंग कहते हैं। फटीक टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं रोड्स पर बार बार जो है गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लोड है एक तरह का ही लोड बार बार रिपीट होता है। तो ये जो फटीक टेस्टिंग होता है इसमें रिपीटेटिव लोड लगता है किसी भी मटेरियल पर। तो हमने यहाँ पर जब टेस्ट किया इसको तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी, जो हमारा इसकी परफॉर्मेंस थी, वो लगभग 30-40% एनहेंस हुई। सो हमारे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स को कंक्रीट रोड्स में काम में लें। तो हमने क्या है कि उसके एक सैंपल रोड के लिए हमने हमारे ही विभाग में एक हमने छोटा सा टेस्टिंग के लिए एक हमने यहाँ पर रोड बनाया, और आज भी अगर इसकी कंडीशन देखते हैं लगभग 3 साल बाद इसकी कंडीशन उसी तरीके से है। हम इसमें लोड लगाते रहते हैं बार बार, व्हीकुलर मूवमेंट यूज करते रहते हैं, गाड़ियां भी इस पर हम चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आया है और अभी भी इसमें 3 साल के बाद में सिंगल क्रैक नहीं आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने टाइम में डामर की रोडों का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता था, बट आजकल क्या है कि सरकार का जो मंशा है वो ये है कि वो कंक्रीट रोड को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है जिससे कि उनकी जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसको यूज करें जो कन्वेंशनल कंक्रीट रोड है तो हमारा जो लगभग कॉस्ट में सेविंग है वो 10% के आसपास हमारी सेविंग हो जाएगी। प्रोफेसर गुप्ता ने हमें बताया कि अनयूज प्लास्टिक या सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किस तरह सड़क निर्माण में किया जा सकता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सड़क पर पड़े हुए डावर टायर जिन्हें अक्सर लोग गिला दिया करते हैं उसका उपयोग क्या हो सकता है। जैसा कि सर ने क्वेश्चन पूछा कि हम क्या वेस्ट टायर्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं, सो डेफिनेटली हम उनको यूज कर सकते हैं। हमने अपनी रिसर्च में, दूसरी रिसर्च में हमने जो वेस्ट रबर टायर्स थे उनको छोटे छोटे श्रेडेड फॉर्म्स में हमने उसको डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ श्रेडिंग मशीन्स। फिर हमने इनको अलग अलग रेशो में कंक्रीट में मिक्स किया,
हमने स्टार्ट किया था 5% से 10%, 15%, 20% और 25% तक। हमने देखा कि जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं इसको, तो वैसे वैसे क्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी इम्प्रूव हो रही हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा 25% पर हम जब गए थे तब हमारी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन 15% पर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें हमारी जो कन्वेंशनल कंक्रीट है उससे हमें अच्छी मिली। इसके बाद में हमने काफ़ी सारे टेस्ट किए। टेस्ट में हमने जैसे कि स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले कंप्रेशन टेस्ट से, कंप्रेशन टेस्ट में हमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिले। तो हमने जो नेक्स्ट जो टेस्ट है, जो कंक्रीट का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज़ द फ्रैक्चर टेस्ट। इसमें हमने बीम को कास्ट किया था और ऊपर से लोड लगाया, 2 पॉइंट लोड हमने इस पर अप्लाई किया और हमने देखा कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है आफ्टर ये जो वेस्ट टायर को मिलाने के बाद में, फाइबर्स को मिलाने के बाद में, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी इम्प्रूव हुई। ये टेस्ट करने के बाद में हमें ख्याल आया क्यों ना हम इस जो वेस्ट मटेरियल है इसको पेवर ब्लॉक में भी यूज करें। जैसा कि हमने प्लास्टिक में यूज किया था, तो हमारा ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको पेवर ब्लॉक में मिलाएं। तो पेवर ब्लॉक में हमने मिलाने के बाद में आप इसकी सरफेस देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि इसकी फाइब्रस सरफेस है, इसमें आपको ये दाने भी दिखाई देंगे। हमने इसको मिलाने के बाद में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग जो नॉर्मल कंक्रीट थी उसकी 30 MPa थी, बट इसको मिलाने के बाद में हमारी जो स्ट्रेंथ है लगभग 35 MPa हो गई। स्ट्रेंथ में लगभग 10 से 12% का इजाफा हुआ, बट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर होता है पेवर ब्लॉक में वो होता है फ्लेक्जर का। तो फ्लेक्जर स्ट्रेंथ में लगभग हमारा 20 से 22% का इजाफा हुआ। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की। प्रदूषण का मुख्य कारण है फरारी जलाना। फरारी जलाने के अलावा गन्ने के वेस्ट, जिसे छिलका कहते हैं, उसका भी उपयोग काफ़ी होता है, उससे भी परेशानी होती है क्योंकि लोग उसको छिलका जलाकर गुड़ बनाते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस वेस्ट प्रोडक्ट का उपयोग निर्माण के अंदर किया जा सकता है? प्रोफेसर सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में शक्कर की खपत बहुत ज़्यादा है, शुगर की खपत बहुत ज़्यादा है। शुगर जो है बेसिकली वो गन्ने से बनती है। गन्ने को जब हम उसमें से रस निकाल लेते हैं तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ना इंडस्ट्री के किसी काम का होता है ना ही आम आदमी के किसी काम का होता है। इंडस्ट्री वाले उसको क्या करते हैं कि जला देते हैं। जलाने के बाद में उसका क्या है कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, राख में कन्वर्ट हो जाती है। राख बनने के बाद में उससे क्या है, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वो उड़ के इधर उधर जाती है, खेतों में जाती है, ह्यूमन हेल्थ में जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है, जानवर उस पानी को पीते हैं, आम आदमी उस पानी को पीता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि हमें उससे रूबरू होना पड़ता है। उसके लिए हमने क्या किया कि उस जो ऐश है उसको हमने कॉन्क्रीट में मिक्स किया। कॉन्क्रीट में मिक्स करने के लिए हमने उसको नॉर्मल, जैसा कि हम देखते हैं ये कोर्स एग्रीगेट्स हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल कोर्स एग्रीगेट्स हैं। इसके बाद में ये जो फाइन एग्रीगेट्स हैं जिसे हम रेती भी कहते हैं, इसके बाद में हम क्या है बेसिकली जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम कंक्रीट बनाने में वो है हमारा सीमेंट। ये सीमेंट है। सीमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे बनाने के लिए, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रीज हैं वो छोड़ती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। साथ में ये कॉस्टली आइटम भी है। हमारे साथ में अनुपयोगी जो हमारी गन्ने को जलाने के बाद में हमारे पास में ये जो ऐश है वो बच जाती है। ये आप देख सकते हैं ये जो ऐश है ये बची हुई है हमारी। तो हमने इसको अलग अलग रेशो में मिलाया और हमने पाया कि अगर हम सीमेंट को 10% कम डालते हैं और उसकी जगह पे 10% अगर हम ये डालते हैं तो इससे हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो लगभग 25 से 30% बढ़ जाती है। उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी लाइफ है, वो भी डेफिनेटली बढ़ जाती है हमारी। तो हमारे साथ में क्या है कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमें एक साथ 3 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। एक तो हम वेस्ट मटेरियल को यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, दूसरा हमारा सीमेंट का कंजम्पशन कम हो रहा है जिससे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, और साथ में हमारी कॉस्ट की सेविंग हो रही है क्योंकि ये जो वेस्ट मटेरियल है ये फ्रीली अवेलेबल हो जाता है नियर बाय द शुगर कैन, जो हमारे शुगर बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उनके पास में ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हमें इसको यूज करने से
तीन फायदे होते हैं। क्या इस शुगर केन की राख को आम व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या रेशो रहेगा, कैसे करेगा? देखिए, आम आदमी भी इसको यूज कर सकता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ऐश है, राख है, ये शुगर की फैक्ट्रियों के पास में फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। अगर आसपास का आम आदमी चाहे तो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर और कंक्रीट के प्रोडक्ट बना सकता है। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसको अगर आप फ्लोर में कंक्रीट की रोड बनाने में काम में लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की रोड से ज़्यादा आपको इसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप ऐसे प्रोडक्ट छोटी छोटी इंडस्ट्री वहाँ पर लगा के बना सकते हैं और उनको आप सेल आउट कर सकते हैं। आपको लगभग 10% का सेविंग हो जाएगा। प्रोफेसर गुप्ता ने हमें तीन महत्वपूर्ण पेटेंट के बारे में जानकारी दी जो पर्यावरण को बचाने में काफ़ी सहायक होंगे। उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम उनसे शेष 6 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, पेटेंट के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही। प्रेस्टन डॉटरिंग के लिए वीरेंद्र श्रीवास्तव।